Good morning, student. Welcome back to your class of English 1. Today we are going to start our lesson 15, which is has, have and had. Has, have and had का use हम कहाँ करेंगे? वो हम आज इस lesson में पढ़ेंगे. You can see on the blackboard, has का use हम he, she, it यानी कि singular person में हम has का use करते हैं. अगर कोई एक person या कोई एक जानवर के बारे में हम अगर बात करते हैं तो हम वहां पे हैज का यूज करते हैं. मीन्स अगर ही शी इट है तो वो उसके साथ हम हैज लगाएंगे. हैव का यूज हम प्लूरल फॉर्म में लगाएंगे, यानी कि एक से ज्यादा लोग अगर रहते हैं तो हम हैव का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आई है तो आई के साथ हैव लगेगा, वी हैव, दे हैव, यू हैव. तो एक से ज्यादा लोग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हम हैव का यूज करेंगे. हैड आपका पास्ट फॉर्म है. किसका? हैव का. हैव का पास्ट फॉर्म हैड होता है. सो हैव अ लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड व्हाट आई हैव रिटन टू मेक यू अंडरस्टैंड. हैज, वी यूज हैज विद ही शी इट नेम ऑफ पर्सन एंड एनिमल. फॉर एग्जाम्पल ही हैज ए पेन. उसके पास एक लड़का है, उसके पास एक न्यू पेन है. हैव वी यूज हैव विद आई, वी, यू, दे नेम ऑफ पीपल एंड एनिमल. यानी कि एक से ज्यादा. दे हैव न्यू पेन. उन लोगों के पास न्यू पेन है. हैड इज द पास्ट टाइम ऑफ हैव. हैव जो होता है वो पास्ट फॉर्म होता है हैव का. आई हैड न्यू पेन. आई हैड यानी कि मेरे पास एक नया पेन था. दैट इज अ पास्ट फॉर्म. मेरे पास एक नया पेन था. हैज मतलब आई हैव न्यू पेन, यानी कि मेरे पास मीन्स ही है, यानी कि राहुल हैज न्यू पेन. राहुल के पास एक नया पेन है. वी आई हैव यानी कि मेरे पास एक नया पेन है. यू हैव तुम्हारे पास एक नया पेन है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन वी यूज हैव. And when we talk about single one person, there we use has. Had जो है वो आपका past form है have का. यानी कि have हम present tense में use करते हैं, had हम past tense में use करते हैं. Past tense में जब हम had use करते हैं, यानी कि वो चीज ये दिखाता है कि वो काम, वो चीज कुछ भी हो, वो चीज बीत चुका है, वो past tense में है. जैसे मैंने example लिखा है, I had new pen. I had new pen. मेरे पास एक नया पेन था. Have का एग्जाम्पल देखिए. मेरे पास एक नया पेन है. रवि के पास नया पेन है. That is called the difference of has, have and had. So for this you have to get through the chapter.